रचना जी के लिए मैंगो शेक बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत मेहनत करती है। तेरे होते किसका डर। हैप्पी मदर्स डे टू यू। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज बच्चे चाहते हैं कि मैं कोई भी काम ना करूं, तो इसीलिए प्रेयसी लग गई है, बट मैं इसे नहीं कराऊंगी। ये देखो, रचना जी के लिए मैंगो शेक बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत मेहनत करती है। वो झाड़ू पोछा सारा काम बच्चा संभालती है, तो उसको थोड़ा ठंडा किया जाए, वो भी मैंगो के साथ। तो उसके लिए मैंगो शेक बनाया जा रहा है। और हाँ फ्रेंड, आज खाना भी परी बनाने वाली है, तो देखते हैं क्या खाने में मिलने वाला है। और मैं बर्तन धोने वाली हूँ। लल्लू बर्तन धोएगा। और हम वाना और मम्मा वेट कर ले हैं मैंगो शेक पीने का। पापा और दीदी और मैं काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है, उस मैंगो शेक में कुछ मिक्स किया जा रहा है जिसे पीने के बाद बंदा पागल हो जाए। तो अब आप बताइए, उसको पीना चाहिए या नहीं? और फ्रेंड्स, पिछले 3 दिन से मुझे था फीवर। मेरे 2-3-4 व्लॉग अभी जो लास्ट आए थे उसमें आपने नोटिस किया हो, तो मैं व्लॉग एंड भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि दिन मेरा जैसे तैसे निकल जाता था, रात को हिम्मत नहीं रहती थी फीवर की वजह से, तो मैं व्लॉग भी एंड नहीं कर रही थी। तो आज हमने पूरे 3 दिन के बाद हम व्लॉग शूट कर रहे हैं क्योंकि बच्चे आज परी चाहती थी कि नहीं आज तो करेंगे। और ये वाना क्या करेगा? ये वाना मुझे एक बोल रही है, ये सिर्फ दूध पिएगा, इसका दूध भी हम बनाएंगे। इनकी कोशिश ये थी कि इसको नहलाए भी, ये मुश्किल से लिया है मैंने इसे। आज इसको नहला के पता नहीं ये कहाँ पहुँचा देते दोनों। फ्रेंड्स, मजे लेने आए ना मैंगो शेक में, तो कम से कम 3-4 घंटे वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये फ्रेंड्स, ये जो शेक बन रहा है फादर बना रहे हैं, तो मुझे ये शायद फादर्स डे पे मिलेगा। जैसे आप बनाते हो ना वैसे टेस्ट नहीं है इसका। अच्छा लगता है जैसे पापा ने भी चाय। अच्छा नहीं है? सब्जी नहीं बना पाओगे आप में। तुम आपको जो सेलिब्रेट, ये देखिए फ्रेंड्स, ये खाना बनाएंगे आज, ठीक है? फ्रेंड्स, अब रचना जी के लिए जा रहा है। फ्रेंड्स, थोड़ा हम वानू को भी खिलाएंगे। ये ले वानू, वानू को अच्छा लगा। ठंडा भेजा चीनी नहीं डाली इसमें ना, बिना चीनी तो मजा आएगा फ्रेश यार। मैंगो में नहीं चलता पता है, बनाना में चलता है, तभी तो बच्चे कह रहे हैं। दीदी चीनी नहीं डाली मैंने, ये क्या है? ग्लास है। 10 रुपए गाइस, ये देखिए 20 रुपए का मैंगो शेक रेडी पे है। इन्होंने, हम घर का पी रहे हैं और ये पी रहे हैं बाहर का। देखिए मैंगो शेक कितना मिलता है।
ये तो 15 का ही है। क्यों? तो चम्मच। चीनी नहीं है ना इसमें? और दोनों चम्मच। अरे आप नहीं ऐसे निकला देते हो। मस्त बना यार। अच्छा है, बस थोड़ी चीनी कम है। वो कहते हैं ना बहुत अच्छी है, बस कानी है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं कई दिन से बीमार थी तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आज के दिन में। अभी मैं नहा के आ गई थी और सबसे पहले मैंने की पूजा। अब मैं जाऊंगी किचन की तरफ। यहाँ पे गूंथ रही है प्रियसी आटा, तो मैं यहाँ पे खड़ी रहूँगी इसको बताने के लिए, नहीं तो इसमें गंगा यमुना सारी नदियाँ बह सकती हैं, तो इसलिए मेरा खड़ा रहना ही ठीक है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बना रही है प्रियसी खाना, मतलब रोटियाँ बना रही है और मैं इसको गाइड करती जा रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि मैं इसको अकेले नहीं छोड़ सकती। और कोई बच्चा इसको देख के प्लीज़ ट्राई ना करे, बहुत ही रिस्की काम है। सो प्लीज़ कोई भी बच्चा इसको देख के ट्राई ना करे। और ये देखिए रोटी बन चुकी है। दूसरा चेंज हुआ है अभी। उसके पापा खा चुके हैं। ये आई है मेरी प्लेट में, ये ट्राइंगल लग रहा है। ट्राइंगल ही है, देखो कराटी कराटी से मुझे ठीक लगा। तो ये है मेरा खाना। ये क्या? तो फ्रेंड्स, इन्हें थोड़ा इजी रहे इनके लिए, सब्जी बनाना मुश्किल है बच्चे के लिए, तो मैंने सब्जी आज कैंसिल भी करानी पड़ी क्योंकि ये मान नहीं रही थी। मैंने बोला था मैं बना दूँगी आप रोटियाँ बना लेना, ऐसे वो मान नहीं रही थी, तो फिर हमने सब्जी कैंसिल ही करनी पड़ी। ब्रेकफास्ट में अभी हम फिर दही के साथ खा रहे हैं। तो चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट फेस करती हूँ। और ये देखिए मैडम की कुकिंग चल रही है। तो फ्रेंड्स, पिछले दो दिन से मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है, तो ये दिन मेरा बहुत अच्छा जा रहा है आज का दिन, वो भी परी और माही की वजह से। अभी कुछ भी नहीं है, आगे देखो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी वो कह रही है कि ये कुछ भी नहीं है, अभी तो आगे आगे देखो बहुत कुछ है। चलिए देखते हैं मैं और आप मुझे। तो जिनके पास बच्चे हैं, ये दिन तो हमेशा आता ही है हर एक पेरेंट्स की लाइफ में, बट मेरी लाइफ में इतना जल्दी आएगा वो मैंने नहीं सोचा था। इसकी पता है मैं हो तो ऐसा नहीं है, मुझे पता नहीं है, कहीं कहीं से मैं सुन रही थी हूँ, इसका बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही है। अच्छी लग रही है? थी। मैं बना देती हूँ आपकी। अबे रोज नहीं बनाती हूँ क्या? बना दूंगी मैं। सभी अभी मम्मी सो गई थी, मम्मी को आइसक्रीम मिल गई। आज देखिए वानी का फेस। हेलो। ये देखिए फ्रेंड्स, वानू आइसक्रीम पे पागल हो गई है, खाती भी है और हाथ में और लेती है उसको। देखना अभी हमला होगा, देखो आइसक्रीम पे देखो। और ये होममेड आइसक्रीम थी, आइसक्रीम स्टिक्स परी के पास थे तो मुझे मिली नहीं। गुड इवनिंग। तो अभी हम मम्मी को कार्ड देने वाले हैं, मतलब स्मॉलेस्ट कार्ड, बड़ा कार्ड हम अभी नहीं देंगे, तो ये हमारे छोटे वाले कार्ड। चलो अब चलो। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे मदर्स डे का सरप्राइज मिल रहा है। मम्मा, ये है चॉकलेट। चॉकलेट ले जाओ।
ये है कार्ड जो इसने अपने हाथों से बनाया है। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये है गिफ्ट लल्लू की साइड से। इतनी साइड चीजें दिखाते हैं। लल्लू अपना कार्ड दिखाओ। ये माही ने बनाया है। ये तो बताओ, ये दिखाई अपने पिक। ये माहू बचपन की फोटो है, माहू की, माहू की और मेरी। मैं बड़ी हूँ, माही की बचपन की है। और माही ने ये दिया है मुझे क्लचर। अच्छा है, बहुत स्मार्ट। तो फ्रेंड्स मेरे तो आ गए हैं, मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिल गए हैं। अभी किचन में दूसरा शेफ आ चुका है। सुबह परी दीदी ने बनाया था खाना और अब माही का ट्रायल चल रहा है, क्योंकि ये सुबह से ना मतलब गुस्सा हो गई थी कि मुझसे नहीं बनवाया। मुझे पता ही नहीं था मेरे घर में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं।
गौर से देखिए इस मासूम चेहरे को, इसमें टैलेंट कूट कूट के भरा है भगवान ने, है ना। इसीलिए आज तक मम्मा से भी कुटती रहती है ताकि और टैलेंट आ जाए इसमें, है ना। तो फ्रेंड्स ये है हमारा केक, ये बनाया है प्रियसी ने, आपने देखा ही था पहले मैंने जब इसने बनाया है प्रोसेस, मैंने हल्का फुल्का दिखाया था। और देखिए आज ये छुटके मुटके बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, मुझे मेरे लिए इन्होंने सुबह से लेके अब तक बहुत कुछ किया है। ऐसे नहीं होती, खाना अच्छा ही होता है, किसी का खाना गंदा नहीं होता। तो वो क्रंची थी, पापा को पसंद है ना करारी रोटी। दीदी की अच्छी टेस्टी लगी, वही तो कह रही हूँ पापा, दोनों की अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम करेंगे केक कट। बाना तो रुक नहीं रही है, ये देखिए इसको सबसे पहले खाना है। हैप्पी मदर्स डे टू यू। ले ले ले, हो गया हो गया हो गया हो गया। वाणी ने पैर से मदर्स टू यू बना दिया केक का। हैप्पी मदर्स डे टू यू। वाणी रह गई, वाणी को भी तो, वाणी को तो खिला दे। थैंक यू। रानू की भुखमरी खत्म ही नहीं हो रही है। थैंक यू भैया। अरे मुझे तो खिला दे दो। तो फ्रेंड्स केक बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया है परी ने। आपने भी कर दिया? नहीं, मैंने बस गरम हो रखा था उसमें। तो फ्रेंड्स वाना को एक और बाइट चाहिए। वान वैसे टूटे थे पहले, कभी तो खाया ही नहीं है। तो पहली बार तो खा लिया है। आज ये पिज्जा भी खा चुकी है, आइसक्रीम भी खाई है इसने, चॉकलेट भी खाई है, पेप्सी भी पी है और मैंगो शेक भी पिया, आज इसने पूरा मजे करे हैं। हाँ, इसने आज मतलब तीन चार चीजें फर्स्ट टाइम ट्राई की है। तो थैंक यू माय क्यूटी क्यूटी बेबीज। आपने मेरा इतना अच्छा दिन निकाला आज का। मैं रह गया। किसी को मैं भेदभाव नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इन्होंने आज पूरे दिन मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मेरे पास भी इनके लिए है रिटर्न गिफ्ट। ये है परी के लिए, कभी नेक्स्ट पहनते हुए दिख जाएगा आपको ब्लॉग में। और ये है माउ के लिए ड्रेस। चलो ठीक है, तो फ्रेंड्स सच में केक बहुत टेस्टी है। वानू से तो क्या मुझसे भी नहीं रहा जा रहा है, तो मैं थोड़ा और खाऊंगी। ये बात सच है, इतने साथ ज्यादा एफर्ट ना सिर्फ लड़कियां कर सकते हैं। और मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत 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 ज्यादा हैप्पी हूँ। प्यारी माँ, मम्मा हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा बाहर तो पिज़्ज़ा की बन जाएगी। Oh,
आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया। काश रोज ऐसे ही दिन हो, बट वो नहीं हो सकता है। और इनको भी समझ आया जो इन्होंने काम किया है ना, मम्मा का कितना मतलब हैक्टिक भरा दिन रहता है। और तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों को कर